सो दोस्तों आज आपके सामने खड़ी हुई है 110 सी सेगमेंट की काफी ज्यादा शानदार बाइक जो कि काफी अच्छे फीचर ऑफर करती है और इस बाइक का माइलेज भी आपको काफी कमाल का मिल जाता है जो कि अदर 110 सी सेगमेंट की बाइक से ज्यादा देखने को मिलने वाला। सेफ्टी फीचर्स काफी कमाल के मिल जाते हैं, यानी कि आपके सामने खड़ी हुई है 2023 की लेटेस्ट बजाज प्लेटिना 110 कंफर्ट है। क्या कुछ कंपनी ने इसमें फीचर दे रखे हैं, क्या इसकी माइलेज है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, ओवरऑल साइड साइड डिटेल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। सो चलिए दोस्तों सबसे पहले अगर इसके फ्रंट से स्टार्ट कर लेते हैं तो इस यहाँ से आप इसके हेड हैंडल और इसके फ्रंट के हेडलाइट के डिजाइन को चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं साइड में, फिर आपको मैं इसकी पहले तो पूरी प्रोफाइल को चेक करा देता हूँ। तो ये इसका है एबोनी ब्लैक कलर और ये बाइक आपको मल्टीपल कलर्स में भी देखने को ओवरऑल मिल जाती है। तो यहाँ से आपने इसके लुक को देख लिया होगा। अब चलते हैं इसके हेडलाइट के सेक्शन के बारे में कि वहाँ पर आपको कैसी इसकी हेडलाइट के फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। हेडलाइट के आते ही अगर मैं इग्निशन ऑन करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में एक DRL मिल जाती है जो कि LED बेस्ड है। इसके ऊपर में काफ़ी सूट भी कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा विजिबल भी आपको देखने को मिल रही है। इसकी रोशनी काफ़ी ठीक ठाक मिल जाती है। अगर आप इसको एडजस्ट करते हैं तो DRL अपनी जो है कम हो जाती है और फिर इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है। ये भी बाइक स्टार्ट नहीं है, केवल इसकी इग्निशन जो है वो ऑन है। तो यहाँ पर DRL आपकी धीमी हो जाएगी जब आप इसको ऑन करेंगे और हेडलाइट जो है वो ज़्यादा आपकी ग्लो करने लगेगी जैसे आप इसके DRL वाले मोड को ऑन करेंगे। आप हेडलाइट बंद करते हैं तो इसकी DRL की जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इस तरफ आते हैं आप तो यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं और फ्रंट में आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं फ्रंट के मुकाबले में। बाकी इसका मडगार्ड आप देखेंगे ब्लैक कलर का देखने को मिल जाता है। स्पीडो मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको सिंगल में क्रैश गार्ड मिलता है। फ्रंट में 130 mm की डिस्क ड्रम ब्रेक मिल जाती है। एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम आपको इस बाइक में मिल जाता है और 80/100 सेक्शन का टायर मिल जाता है। 17 inches के अलावा व्हील आप पैटर्न का चेक कर सकते हैं। ट्यूबलेस टायर्स इस बाइक में आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी टैंक के ऊपर में देखते हैं तो प्लेटिना का गोल्डन टाइप में आपको यहाँ पे येल्लो में स्टिकरिंग मिल जाती है। सिल्वर देखने को मिलता है, ग्रे देखने को मिलता है, टैंक आपको पूरा ब्लैक देखने को मिलता है 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। E20 का सपोर्ट इस बाइक में मिल जाता है, टैंक पैड मिल जाता है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी साइड पैनल पर भी वही आपको देखने को मिलते हैं। 5 गियर बॉक्स सिस्टम मिल जाता है इस बाइक में। सिंगल आपको मिल जाती है, यहाँ पर आप देखते हैं ग्रैब रेल जो कि ब्लैक कलर की है। 110 कम्फर्टेक की बैजिंग मिल जाती है, कम्फर्टेक सीट पर भी लिखा हुआ मिल जाता है। सीट की क्वालिटी भी काफ़ी प्रीमियम है। टेल लाइट आपको हेलोजन बेस मिलती है राउंड शेप की कुछ इस तरीके की। नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मेटल मिल जाता है। रियर में आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं SOS विद नेटवर्क वाले सस्पेंशन। मीटर के बारे में बात करिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का एनालॉग वाला मीटर कंसोल। जैसे ही इग्निशन ऑन करोगे आप तो यहाँ पर आप देखते हैं तो हेडलाइट पहले तो ये ऑन हो जाती है, ऐसे यहाँ से स्विच दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एनालॉग शेप में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर मिलेगा, फ्यूल गेज वाला ऑप्शन मिलता है, चेक इंजन और टर्न इंडिकेटर। स्विचेस के बारे में बात करिए, हाई बीम लो बीम पासिंग, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न और यहाँ पर आप देखते हैं शेल्फ और अपना साइड मिरर डिजाइन का पैटर्न आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो कुछ इतना ही आपको इसके फ्रंट में देखने को मिलता है। क्रोम की बार हैंडल मिल जाती है, राइडिंग पोस्चर काफ़ी कमाल का है। रियर की बात करिए तो 110 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है। 80/100 सेक्शन का ही टायर मिल जाता है। उसी के साथ में 17 inches के अलॉय व्हील आपको रियर में मिलते हैं। फुट ट्रैक्स वगैरह क्वालिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक किक मिल जाती है आपको। बाकी मफलर आपको क्रोम का मिल जाता है। मेन स्टैंड मिलने वाला है इस बाइक में। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में जहाँ से उसकी परफॉर्मेंस निकल के आने वाली है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 115.35 cc का एयर कूल्ड DDSI इंजन। पावर के बारे में बात करिए 8.60 PS की मैक्सिमम पावर रिलीज करता है 7000 RPM पर। 9.81 Nm का टॉर्क इस बाइक में देखने को मिलता है 5000 RPM पर। इसका आपको पावर फिगर काफ़ी कमाल का मिल जाता है। उसी के हिसाब से इसकी जो माइलेज है वो भी काफ़ी शानदार है, यानी कि अगर इसकी माइलेज के बारे में बात करें तो 60-65 km/h तक की ओवरऑल माइलेज इस बाइक में देखने को मिलती है। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बाइक की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के साथ में 200 mm की काफ़ी शानदार सी ग्राउंड क्लियरेंस और 807 mm की सीट हाइट भी इस बाइक में देखने को मिल जाती है। यानी कि ये बाइक काफ़ी अच्छे फीचर्स ऑफर कर देती है आपको 110 cc सेगमेंट में। हेडलाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है, माइलेज भी इस बाइक का काफ़ी शानदार मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, कितने रुपए प्राइसिंग देखने को मिलती है ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको देखने को मिल जाती है 84,078 rupees की, यानी कि 84,078 rupees की ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों अगर आप बजाज प्लेटिना 110 या फिर बजाज की लाइन में किसी भी बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो जो शोरूम का एड्रेस है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और आप यहां से आके कोई भी बजाज का प्रोडक्ट वगैरह बाय कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ यही थी इसके ओवरऑल वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और आप अभी तक हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज चैनल पर लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।